सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेकंड सेशन, होगा ये डाउट सॉल्विंग सेशन। जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, रैपिड फायर में जाएंगे, ठीक है, रैपिड फायर में, बिकॉज बहुत सारे क्वेरीज है, अराउंड 73 क्वेरीज है, तो रैपिड फायर में चलेंगे, जितना जल्दी हो सके सारे क्वेरीज का जवाब मैं दे दूंगा। सबसे पहला क्वेरी जो आया है, सर आई डिडंट रिसीव एनी मेल रिगार्डिंग टुडेज टेक्निकल सेशन और मॉक टेस्ट। ओके, शायद भाई ने कल ये लिखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपका नहीं आया है तो एक बार जाके स्पैम चेक करो। आज जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझको अपडेट किया है तो उनका भी आ चुका है आज आप जाके एक बार स्पैम पे चेक करो, अगर नहीं है तब जाके ICSI का हेल्पलाइन नंबर है उस पर एक बार कॉल कर दूँ। हेल्पलाइन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, उस पर कॉल कर लेना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मॉक टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, कोई वेबसाइट है या? मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा अपने SCB ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, जो ब्राउज़र का लिंक आया है आपके पास आपके मेल में, ओके, मेल में वहाँ से होगा। तो एक डाउट जो है वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे फ़ोन पे जो है ना, मेरे फ़ोन पे मेल आने वाला है, मैं वो डाउनलोड कैसे करूँ अपने डेस्कटॉप पे? तो आपको सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, आपको आपके डेस्कटॉप खोल के वहाँ पे जीमेल जो है आपका जीमेल अकाउंट, उससे रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद मतलब मेल खोल लेना है आपके लैपटॉप पे, तो फिर वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, मतलब फ़ोन पे है तो मैं लैपटॉप पे कैसे लूँगी, ऐसा नहीं होता है। फ़ोन लैपटॉप पे आपको क्या करना है, देखो ये आपका नॉर्मल ब्राउज़र है, सपोज़ ये आपका नॉर्मल ब्राउज़र है, ठीक है, इस नॉर्मल ब्राउज़र पे कहाँ जीमेल में जाना है, इस पोर्शन में जाना है, जीमेल में जाके यहाँ से आपको क्या कर लेना है, हाँ जी, आपका मेल अकाउंट यहाँ पे डालना है, डाल के आपको रजिस्टर कर, फिर यहाँ पे जैसे नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे मेल से मेरे आपके यहाँ पे ICSI के मेल आ जाएगा। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो तो इधर पे लिख देना है ICSI, तो ICSI से रिलेटेड कुछ भी मेल हो तो आपके इधर पे फ्लैश करेगा कि ICSI से रिलेटेड यहाँ पे मेल्स है। मेरे इधर पे फिलहाल कोई ICSI से रिलेटेड कोई मेल नहीं है तो शो नहीं कर रहा है। क्लियर है भाई मेरे, एकदम क्लियर है। उसके बाद मैं क्वेरी पे चलता हूँ। ओके, SCB ब्राउज़र के ऊपर होगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, सर आई डिडंट गेट एनी ईमेल रिलेटेड टू ID एंड पासवर्ड। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि आप एक बार चेक करो आपके स्पैम फोल्डर, अभी तक तो आ जाना चाहिए आपके स्पैम में, ये शायद कल का क्वेरी होगा। सर आई डिडंट गेट एनी ईमेल रिलेटेड टू ID पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट है, सर मेरा पास ईमेल नहीं आई है मॉक टेस्ट के लिए और मैंने स्पैम भी चेक कर लिया, उसमें भी नहीं है। कल तक नहीं था लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है, आप एक बार जाके देखो, अगर नहीं है तो आप ICSI के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना। मैं हेल्पलाइन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर SCB ब्राउज़र में पेपर कैसे करना है और किस तरह से होगा, प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बोला है कि मैंने पिछला जो वीडियो था उसके नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था कि एक्चुअली ब्राउज़र में होता क्या है, किस प्रकार से हमको लॉग इन करना होता है और उसके बाद कैसे अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, फेस का फोटो लिया जाता है वेबकैम से वगैरह वगैरह, ये सारा मैंने एक वीडियो का लिंक ढूंढ के आपको दिया था, आपने चेक नहीं किया होगा, आप जाके कृपया करके वो चेक कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक देने वाला हूं, आप चेक करना वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर SCB ब्राउजर में पेपर कैसे करना, तो हो गया। सर इज इट कंपलसरी टू गिव मॉक टेस्ट? इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गिव द मॉक टेस्ट, बट मैं एडवाइस करता हूँ हर एक स्टूडेंट को मॉक टेस्ट दे देना, सो दैट आपको प्रोसीजर पता चल जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे किस प्रकार से लॉग इन करना होगा, सो दैट इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू डू नॉट पैनिक एट दैट मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, सर मेरी यहाँ पे डॉग और अगर वो बीच में बार किया तो क्या मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? एंड सर अगर मुझे बीच में कॉल करना पड़े ICSI को तो कैसे करूँगी, क्योंकि फ़ोन तो पास में नहीं रखना। तो ये देखो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ICSI के, जो मतलब नॉर्मल तो बनाना होता है सो दैट कि स्टूडेंट्स को बताए कि नहीं, चीटिंग करना अलाउड नहीं है। फ़ोन अगर पास में रहेगा तो चीटिंग करने का स्कोप ज़्यादा है ना, तो सिंपल बात है, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। डॉग अगर बार्क कर रहा है तो इट्स नॉर्मल, इट इज़ ओके, लेकिन हो सके तो डॉग को थोड़ा मतलब सुला देना, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम देने बैठना। अगर नहीं सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार्क में कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ी ना पागल है कि सारा दिन बार्क करता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो एडजस्ट हो, एक दो बार बार करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नॉर्मली अगर प्रॉब्लम लग रहा होगा तो कंप्यूटर पे आपको बोलेगा कि टू मच नॉइस इन दी बैकग्राउंड, ऐसा बोलेगा। आप इग्नोर करके आपका एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट करना। एक चीज़ याद रखना, आप जो भी एग्जामिनेशन में दे रहे हो वो पूरा रिकॉर्ड होगा, आप कैसे बैठ के दे रहे हो और आपकी जो सराउंडिंग है, माइक्रोफोन का सिर्फ यही यूज़ है, आपका जो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हालचाल, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। और उसमें कुछ ना हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो और कोई आपको हेल्प ना करे, फॉर एग्जांपल अगर रूम के बाहर कोई बंदा खड़ा है और आपको आंसर बोल रहा है तो वो तो आ जाएगा ना माइक्रोफोन में, तो वो रिकॉर्ड होता रहता है। अंडरस्टूड? इसीलिए और कुछ नहीं है, डॉग नॉर्मल सा चीज़ है सबके, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में रहता है डॉग एक, तो ये हो गया बात। नेक्स्ट है फ़ोन का, फ़ोन कैसे कॉल करोगे आप? तो फ़ोन का कॉल ऐसा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको फ़ोन मतलब प्रॉब्लम हो रहा है चुपचाप उठ के जाके कॉल करो, ठीक है। कॉल करने के बाद फिर से बैठो एग्ज़ाम देने के लिए, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा कि आपका प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप उठे और आप कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बात, ठीक है। फ़ोन हो सके तो जिस टेबल पे बैठे हो उस टेबल पे मत रखना, दूसरे टेबल पे रखना, आसपास ही रखना, लेकिन दूसरे टेबल पे रख देना, ठीक है। सर मैंने अभी तक एक लाइन भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं क्लियर कर सकती हूँ CSET? ओ माय गॉड। सो इस बात पे मैं शाबाशी देना चाहता हूँ आपको, बहुत ही मतलब दाद देने वाला बात है ये क्वेरी, बहुत अच्छा लगा मुझको। आपने एक लाइन भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको CSET देना है, तो इट इज़ रिमार्केबल। तो आप एक काम कर सकते हो, अक्कर बक्कर बम्बे वो करके एग्जामिनेशन में बैठ जाना है, ठीक है, और दे देना है जय माता दी करके। अगर निकल जाए तो पार्टी सबसे पहले मेरे को देना है। नेक्स्ट है ये सर, लैपटॉप हो जाता है तो कभी कभी कैमरा ऑन ही नहीं होता, ऑफ रहता है, तो उसको ऑन करने का कोई ऑप्शन है? और आपने बोला कि टाइम ख़त्म होता तो पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, उसके मेल में क्लियरली लिखा है वो नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है, एकदम नॉर्मल सा बात है, ठीक है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, ओके, मैं लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन पे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली अगर जाओ किसी पे, मतलब किसी भी सेंटर पे जाओ अगर एग्ज़ाम देने, ओके, रिटन एग्जामिनेशन है, तो अगर आप सबमिट करना नहीं चाहते हो तो एग्जामिनर आके आपके पेपर छीन लेगा ना, छीन लेगा वो एग्जामिनर, ऑब्वियसली, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है, उस टाइम पे बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो सबमिशन ले लेता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट टाइम पे सबमिट ना क्लिक कर पाए, कुछ दिक्कतों के वजह से कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है और टाइम निकल गया और सबमिट ना कर पाए, तो वो फेल थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। कैमरा का जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, आपके लैपटॉप पे अगर ऐसा कुछ है कि ऊपर पे कैमरा का ऑप्शन है, जैसे कि अभी जो लैपटॉप्स निकल रहे हैं उसमें कैमरा का ऑप्शन नॉर्मली रहता है, जैसे कि F10 के ऊपर कैमरा का सिंबल रहता है, वहाँ पे क्लिक करो तो कैमरा ऑन होता है, अगर क्लिक करो तो ऑफ हो जाता है, वो एक मैनुअल सा है। और अगर आप उस मतलब उस प्रकार से आपका लैपटॉप नहीं है तो आपको मैनुअली आपका जो कैमरा है लैपटॉप का वो ऑन करना होगा, ओके, फ्रॉम दी सेटिंग्स, तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं कर सक रहे हो कि कैमरा कैसे ऑन करना है, तो YouTube के ऊपर सर्च करना है कि हाउ टू ऑन माई लैपटॉप्स कैमरा और लैपटॉप का मॉडल वगैरह, वो दे देना सो दैट निकल जाए, ठीक है। अगर इसको मैं आपको डेमो दिखाने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैमरा कैसे ऑन करना ये सबको आता है, ओके। अगर आपको नहीं आ रहा है तो YouTube के ऊपर सर्च करो, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिग प्रॉब्लम नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है, अच्छा सुनो एक बात, आप ये भी हो सकता है आप बच्चे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में जो लैपटॉप है वो मतलब कैमरा जो है वो बंद हो जाता है, तो दैट इज़ अ लिटिल बिट रिस्की कि बीच बीच में कैमरा बंद हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो और बीच बीच में आपका कैमरा लैपटॉप का कैमरा बंद हो रहा है, दैट इज़ वेरी रिस्की, राइट। तो आप हो सके तो दूसरा लैपटॉप अपनाओ, और अगर नहीं हो सका तो इसी लैपटॉप पे दो, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कैमरा ख़राब है या फिर बीच में बंद ही हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप किसी साइबर से दे दो या फिर दोस्त रिश्तेदार से उधार मांग के आप लैपटॉप यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉक टेस्ट के लिंक कब आएगा और सेब कैसे खुलेगा? लिंक जो है आपके मेल पे आ चुका है, आप एक बार चेक करो स्पैम फोल्डर, अगर नहीं है तो ICSE के हेल्पलाइन पे कॉल करना है। सर डाउनलोड ऐसे भी हो गया है पर खुल नहीं रहा है, तो क्या मॉक टेस्ट की लिंक आने के बाद ही खुलेगा?
नॉर्मल तो ऑन हो जाएगा, नॉर्मल जो डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन करना है उस चीज़ का, ठीक है। मैंने उस चीज़ का वीडियो भी डाल के रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल सेप ब्राउज़र, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद वो खुलेगा, कब खुलेगा, जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब खुलेगा, अभी नहीं खुलने वाला है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सर कैन आई डू माई एग्ज़ाम बाई मोबाइल इंटरनेट, या आप मोबाइल इंटरनेट से कर सकते हो, हॉटस्पॉट लगा के कर सकते हो। सर टाइम ड्यूरेशन ऑफ मॉक टेस्ट प्लीज़ क्लियर, 1 आवर, ओके, मॉक टेस्ट का 1 आवर है। नेक्स्ट है सर, एग्ज़ाम टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे कॉल करें, मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, उन्होंने खुद फ़ोन नंबर दे के रखे हैं, ठीक है, तो उस फ़ोन नंबर पे कॉल करना है आपको। मोबाइल जो है आपके टेबल के सामने मत रखो, दूसरे टेबल पे रख दो, अगर आप टेबल पे बैठे हो तो बेड पे रख दो, कहीं पर भी रख दो, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है तो उठ के जाके कॉल करो, ऐसे बैठे मत रहना, समझ में आ रहा है। सर कैन आई डू मॉक टेस्ट बाय मोबाइल इंटरनेट, हाँ जी मोबाइल इंटरनेट से हो जाएगा सर। एक्चुअली अभी तक मेरे पास ईमेल नहीं आया है मॉक टेस्ट का, सो व्हाट टू डू प्लीज़ टेल मी। ईमेल आ चुका है अब तक, लेकिन अगर अभी भी नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर पे कॉल करो और पूछो उनको, ठीक है। सर अगस्त अटेंडमेंट ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो रिपीट डाउनलोड करना होगा। यस, आप रिपीट डाउनलोड कर लो, मुझको पता नहीं है कि ये कौन सा वर्जन है, शायद ये अपडेटेड वर्जन होगा SCB का, लेकिन पुराना जो डाउनलोडेड लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स दैट द ओल्डर ब्राउज़र इज़ नो मोर सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप एक काम करो, जो नया ब्राउज़र आया है उसको डाउनलोड कर लो, पिछला वाला ब्राउज़र को आप अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सर इज़ इट नॉर्मल अनलिमिटेड रिचार्ज पैक ऑफ आइडिया एयरटेल सफिशिएंट टू गिव एग्जाम, इज़ दैट स्पीड ऑल्सो सफिशिएंट। मैं आप एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल अगर एक वन MB तक का स्पीड है ना, तब बहुत है, उसको भी बहुत कहा जाता है, ठीक है, कि बहुत है 1 MB का स्पीड जो है नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए, ओके। आपके KB का स्पीड लगता है, ठीक है, तो पर सेकंड का, अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन का बात करूँ मैं तो, उन लोगों ने फिर भी बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफाइड बता के रखे हैं कि इस प्रकार से आपको स्पीड होना होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और मैं रिचार्ज का बता देता हूँ, आप कोई भी रिचार्ज कर लो, 5 GB का रिचार्ज कर लो, वन डे प्लान जो 50 रुपये में आ जाता है, ठीक है, वो कर लो, बहुत है। जियो का आता है, एयरटेल आइडिया सब का आता है, ठीक है, तो थोड़ा प्राइस में वैरी करेगा, ठीक है, तो इसमें एक बार चेक कर लेना है, लेकिन 50-100 रुपये में हो जाएगा आपका रिचार्ज, उससे एग्जामिनेशन बहुत है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के, आप ऐसा कैलकुलेट मत करो कि मेरा अगर 1 सेकंड में 1 MB लग रहा है तो मेरा 2 घंटे में कितना लगेगा, ऐसा कैलकुलेशन मत करना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन मत करना। आपको 5 GB का मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 1 GB में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 1 GB भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ज़्यादा नेट जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए मैं बोला कि 50 रुपये का प्लान जो है डेली प्लान वो कर लेना है, मतलब 1 डे प्लान उसमें हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करने के बाद कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करना है क्या, और एयरफोन अटैच कर सकते हैं क्या? देखो, एयरफोन अटैच नहीं कर सकते आप, माइक्रोफोन आपके लैपटॉप में ऑब्वियसली रहेगा, कैमरा भी रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको टेंशन का कोई दरकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हम लोग, एग्ज़ाम में मैक्सिमम नेट कितना चाहिए होगा, कितना GB नेट की स्पीड होगी? तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 1 GB जो है वो सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार बहुत सारे कंप्यूटर्स में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन जो होता है नेट का वो बहुत ज़्यादा चल जाता है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम 5 GB जो है उसका आप डेली रिचार्ज कर लो, ठीक है, मतलब 1 डे रिचार्ज कर लो, उसमें हो जाएगा, 50 रुपये लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 5 GB का कर लो, एक दिन के लिए काफ़ी है। नेट स्पीड का टेंशन मत करो, 1 MB per second का अगर नेट है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके कम भी दिखा सकता है आपको, वो भी चलेगा, आप बैठो तो एग्ज़ाम देने। ये एग्ज़ाम का जो ब्राउज़र है इसमें ज़्यादा नेट नहीं लगता है, और उसके ऊपर मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर्स वगैरह जो है ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होता है, तो ज़्यादा उसका कंजम्पशन भी नहीं है, और नेट स्पीड उतना ज़्यादा हाईली चाहिए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये फिर से नेट स्पीड, ठीक है, 200 KB per second। आप मॉक टेस्ट दे के देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, आप मॉक टेस्ट दे के देखो, अगर मॉक टेस्ट अच्छे से चल रहा है तो बहुत बढ़िया, उससे हो जाएगा। और सर कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन अलाउ नहीं है, सामने कॉल कर सकते, सामने लैपटॉप के सामने बैठ के कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। सर मुझे मेल नहीं आया, यूज़र मैंने फिर से बताया है कि आप एक बार चेक करो, मेल आया होगा आज के दिन, अगर नहीं आया तो डाउन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे कॉल करो। ड्यूरिंग एग्जाम इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाए, लाइट्स ऑफ हो जाए,
मैं कैसे मैनेज करूँगा, आई मैनेज, हाउ आई मैनेज द एग्ज़ाम, प्लीज़ टेल मी आंसर सर. ओके, द थिंग इज़, अगर नेट ऑटोमेटिकली चला जा रहा है तो आपको फिर से लॉग इन करने के लिए मिलेगा. अगर आपका लाइट्स ऑफ हो रहा है तो फिर से लॉग इन करने के लिए मिलेगा. बाय चांस आपका लाइट और नेट जो है वो एक घंटा दो घंटे के लिए आया ही नहीं, तब क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ. तब आपको रिशेड्यूल किया जाएगा दूसरे डेट पर, जो कि नॉर्मली नेक्स्ट डे होता है. तो नेक्स्ट डे आप बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा मेल में तो मेंशन है लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम. हाँ, तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम मतलब क्या, क्रोम डाउनलोड करो लेटेस्ट वर्जन का, ठीक है. सर टाइमिंग आपने जो बताया है वो मेरे टाइमिंग से अलग है. मैंने ये भी बताया है कि टाइमिंग अलग अलग होगा मॉक टेस्ट का, ठीक है. किसी का 9 बजे, 9:30, किसी का 1 बजे, 2 बजे, हो सकता है टाइमिंग अलग ही होगा. और एग्जामिनेशन में भी टाइमिंग अलग अलग होगा. उसके बाद देखो आपके एडमिट कार्ड पे चेक करो. सर लॉजिकल रीजनिंग नॉट अलाउड पेन एंड पेपर, हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग हद से ज़्यादा इजी आएंगे, जो आपको पेन एंड पेपर का ज़रूरत नहीं होगा. मैक्सिमम 1 से लेके 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं जो कि पेन एंड पेपर का दरकार होगा. लेकिन एट दैट मोमेंट यू हैव टू स्किप दोज क्वेश्चन, अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, और लास्ट में आके वो बैठना है और 3 क्वेश्चन देना है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, सर आपके जो MCQ वाले नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उन्हें अच्छे से करके पेपर अच्छा हो जाएगा ना. सर आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम ऑन डेस्कटॉप. तो जिसका डेस्कटॉप है वो कह रहा है ग्राफिक्स नहीं होगा उसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा है. सो अगर ये नहीं है तो क्या एग्जाम नहीं दे पाएंगे, प्लीज़ हेल्प सर, आई हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग दिस. तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो. क्या है कि अच्छा MCQ वाला बात मैं बोल देता हूँ. देखो MCQs जो है वो सारे प्रैक्टिस करो. टेस्ट सीरीज़ जो है अगर आपने दिया है और MCQ बुक से अगर प्रैक्टिस किया, बहुत है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत है फॉर द एग्जामिनेशन. MCQs बुक में जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन में आएंगे. ये इम्पॉसिबल होता है किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में. MCQs का मतलब सिर्फ यही है, हम लोग इतना MCQs आप लोग को कराते हैं सिर्फ एक ही मोटिव की वजह से, सो दैट आपका ब्रेन जो है वो काम करता रहे और सॉल्व करता रहे. सो दैट उसी पैटर्न में जब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, तब आपको फटाफट आंसर आप दे पाओगे, आपका दिमाग चलेगा, ठीक है. समझ में आ रहा है, ये कम्प्लीटली अप टू योर कैपेबिलिटी के ऊपर होता है. ऐसा नहीं है कि MCQs क्वेश्चंस जो मैंने दिया है वही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा कभी नहीं होगा किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, ठीक है. नेक्स्ट आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ये ग्राफिक्स कार्ड का जो चक्कर है ना, लोचा है ना, इस पे टेंशन मत लो. ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए, वो लोग मेंशन किए बहुत मिनिमल सा, ठीक है, वो नहीं चाहिए. आप आराम से बैठ के एग्जामिनेशन दो डेस्कटॉप के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. और कुछ मैं बोल, ग्राफिक्स कार्ड का कोई चक्कर नहीं है, आप डेस्कटॉप पे आराम से बैठ के एग्जामिनेशन दो. वेबकैम लगा देना, एक्सटर्नल वेबकैम ऊपर पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो वेबकैम फिटेड नहीं होता है, एक्सटर्नल आएगा, इंटरनल नहीं आएगा. तो एक्सटर्नल वेबकैम वो मार्केट से खरीद के लगा देना है, वेबकैम एंड माइक. तो ये हो चुका है. फिर देखो सर आपके जो MCQ, ओके दिस इज डन. सर आई एम नॉट बिंग एबल टू डाउनलोड माई एडमिट कार्ड वाई एप्लीकेशन एंड यूनिक ID रिक्वेस्ट, दे आर शोइंग इट्स इनवैलिड, कैन यू प्लीज हेल्प, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. सी आई थिंक आई नो दिस गर्ल हु हैव टेक्स्ट हियर. मैंने आपका जो है, मैंने देखा है आपका, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी देखा है जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है. मैंने उनको बोला है कि ICSI को कांटेक्ट करो, मैंने नंबर भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी नंबर होगा, आप प्लीज़ कांटेक्ट करके उनको बोलो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज़ डाउनलोड हो जाए, और कैसे करना है वो एक बार उनको पूछ लो, ठीक है. साथ ही साथ आप उनको मेल भी कर सकते हो, कंप्लेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है. टाइम है अभी भी, कंप्लेंट ड्रॉप कर दो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. जिन सारों बच्चों का जो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग दिखा रहा है, वो शायद आपके एप्लीकेशन एरर से होगा, मतलब आप अप्लाई करने के टाइम में गलती कर दिए, ये भी हो सकता है. और ये जो गलती है ये ICSI के टूवर्ड्स से भी हो सकता है, तो आपको एक कंप्लेंट ड्रॉप कर देना है. कंप्लेंट ड्रॉप कर दूंगे तो हो जाएगा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं नंबर्स दे दूंगा, कंप्लेंट का पोर्टल भी दे दूंगा लिंक, नंबर पे कॉल लगा लियो और कंप्लेंट भी कर दियो, ठीक है. और टेंशन मत लो, हो जाएगा आराम से, पैनिक नहीं करना एकदम, मैं हूँ इधर पे. सर अगर पेपर के बीच में वाईफाई बंद हो गया, तो मैंने बताया आपको, अगर फिर से जब वाईफाई ऑन हो जाएगा तब फिर से आप लॉगिन कर पाओगे. लेकिन अगर एग्ज़ाम का टाइम ही निकल गया और आपका नहीं हो पाया, देन आपको दोबारा मौका मिलेगा. सर कैन वी गिव मॉक टेस्ट एंड 21 नवंबर एग्ज़ाम बोथ थ्रू मोबाइल नेट? हाँ जी, मोबाइल नेट से दे सकते हो आप दोनों एग्जामिनेशन. गूगल क्रोम एंड क्रोम एक ही है ना सर? हाँ जी, गूगल क्रोम एंड क्रोम एक ही है. और एनी डेस्क एंड
सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, ये दोनों भी एक ही है ना, अलग अलग नहीं है ना? एनी डेस्क अलग है, एनी डेस्क अलग है, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर अलग है। सुनो एक काम करता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं तीनों का लिंक दे दूंगा, ठीक है, गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन का, एनी डेस्क का लिंक और सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर का लिंक, डाउनलोड कर लियो। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर का लिंक जब आप डाउनलोड करने के लिए जाओगे तब आपका यूनिक आईडी देना होगा एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी डालना होगा सो देट वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सर ये पे यहाँ पे क्या आ गया, ये तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा दोबारा रिपीट मत करना मुझको क्वेश्चंस, बिकॉज वहाँ पे आपके डिटेल्स भरने होंगे तब जाके आप डाउनलोड कर पाओगे सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, क्लियर है। ये सिर्फ ICSE के स्टूडेंट्स के लिए है एग्जामिनेशन ब्राउजर, दैट इज़ द रीज़न। सर मैंने SCB डाउनलोड कर लिया है लिंक जो ICSE ने प्रोवाइड किया है, दैट बट वो ओपन नहीं हो रहा है, मैंने वीडियोस देखी है उसमें रन एनीवे नेक्स्ट ऑप्शन करके बता रहे हैं बट मेरा तो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है सर, प्लीज़ इसे आप ओरली या प्रैक्टिकली दूर कर दो। सुनो ये मैं समझ सकता हूँ आपका ये प्रॉब्लम, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इसका मैं क्विक सॉल्यूशन अगर आपको दूँ कि सबसे ज़्यादा इजीली तरीके से कैसे हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है हेल्पलाइन का, ठीक है। एनी डेस्क जो है वो डाउनलोड करके रखो आपके लैपटॉप के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर, जो भी यूज़ कर रहे हो आप डाउनलोड करके रखो, उनको कॉल लगाओ, वो रिमोटली एक्सेस करेंगे और आपका डाउनलोड में पूरा सहायता कर देंगे। अभी के अभी कॉल लगाना है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। सर माई SCB लिंक इज़ नॉट ओपनिंग, वो अभी ओपन नहीं होगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको कॉल करो, वो लोग सॉल्व कर देंगे। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तब भी कॉल करो, वो लोग सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ डाउनलोड करके रखना, वो है एनी डेस्क, एनी डेस्क से वो लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से बैठ के एक्सेस करेंगे आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, वो गड़बड़ कुछ नहीं करेंगे, आराम से आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर देंगे। सर मॉक टेस्ट देना जरूरी है बिकॉज आई हैव नॉट लैपटॉप्स। सी भाई मेरे, द थिंग इज मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है एकदम भी, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ हर एक स्टूडेंट को एक बार दे देना सो दैट प्रोसीजर क्या है वो आपको पता लग जाए। सर यूज़र नेम जो मेल में है, लॉगिन नेम जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आता है, वो दोनों किस किस के लिए है, 18 या 20 को? देखो 18 के लिए जो है यूज़र नेम एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये नहीं, सुनो 18 को जब जो कल जो एग्जामिनेशन होगा आपका मॉक टेस्ट, उसके लिए आपके मेल में आया होगा देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है। 21 के एग्जामिनेशन के लिए अलग से आएगा सेपरेटली, ठीक है, आपके मेल पे ही आएगा। कैन द AI डिटेक्ट आर फोन्स? नहीं, AI आपके फ़ोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सर नेट फ्रेमवर्क डाउनलोडेड करना कंपलसरी है? मेरा लैपटॉप में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं भाई, मैं ये बहुत बार बोला हूँ, नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड नहीं करना मतलब ज़रूरी नहीं है आपके लैपटॉप के ऊपर, बिकॉज ये बहुत पुराना जो कंप्यूटर्स रहते थे उनमें नहीं रहते थे, ठीक है, अभी सारे कंप्यूटर्स में है ये चीज़, ओके। तो बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करने का कोशिश भी करते लेकिन वो डाउनलोड नहीं होता, वो इंस्टॉल नहीं होता, बिकॉज वो आपके उधर पे है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसका ज़रूरत नहीं है। सर अगर 21 नवंबर को एग्ज़ाम मिस हो गया तो दोबारा कब से दे सकते हैं? दोबारा सिर्फ जनवरी में दे सकते हो आप, ठीक है, जनवरी में होगा। एग्ज़ाम मिस कर लिए तो मिस कर लिए, जनवरी के लिए एडमिशन करा के मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके जनवरी के लिए कर पाओगे। सर एनी डेस्क कहाँ से डाउनलोड करें? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई मेरे, आपने शायद मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है। नेक्स्ट देखो, हाउ टू इनेबल वेबकैम एंड माइक्रोफोन एंड लैपटॉप फ्रॉम गूगल क्रोम एक्सटेंशन एज दे मेंशन द अनाउंसमेंट। मैंने फिर से बोला है, माइक्रोफोन एंड वेबकैम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप SCB ब्राउजर के ऊपर जाओगे तब। अगर ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो रहा है तो मैन्युअली ऑन करना होगा। मैन्युअली कैसे ऑन करना है वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप कौन सा लैपटॉप यूज़ करो या फिर डेस्कटॉप यूज़ करो उसके ऊपर। अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10, तो उसके ऊपर आपको अलग अलग से प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक बार YouTube पे सर्च क्लिक कर लेना अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलना चाहता हूँ कल का मॉक टेस्ट देकर देखो, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। सर मॉक टेस्ट फ़ोन से दे सकते? नहीं भाई। व्हाट इफ आई गिवन रॉन्ग ईमेल आईडी? अगर आप रॉन्ग ईमेल आईडी दे रहे हो तो बैन बच जाएगा आपका। कहाँ पर दोगे रॉन्ग ईमेल आईडी पहले ये बताओ? अब तो एग्जामिनेशन आ चुका है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रॉन्ग ईमेल आईडी दोगे तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ICSE से आपके साथ। मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया कि नहीं?
आया कि नहीं भाई? अभी तक मॉक टेस्ट हुआ नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, और मॉक टेस्ट का रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, समझो। मॉक टेस्ट का रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपको प्रोसीजर बताने के लिए है भाई। मेरे क्वेश्चन आंसर को मत करने बैठ जाना, टाइम पास मत करियो। प्रोसीजर जो है वो अच्छे से एक बार देख के रख दियो, बस खत्म बात। 1 घंटा बैठ के वहाँ पर टाइम पास मत करना, अगर आपका हो रहा है आराम से तो करके रख दो, बस खत्म। पढ़ने बैठ जाओ, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो। फोन पकड़ सकते हैं सकते के एग्जाम, अगर किसी के पास पीसी ना हो तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखो अगर पीसी नहीं है तो जुगाड़ करो। जुगाड़ कहाँ से करना है? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, दादा परदादा से जुगाड़ करो, कोई कोई भी लैपटॉप। नहीं जुगाड़ हो रहा है तब जाके साइबर कैफे, साइबर कैफे पे आराम से जाके कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है ब्रो? हाउ मैनी मार्क्स इच क्वेश्चंस कैरी? देखो इच क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्जाम के टाइम ही पता चलेगा आपको, ठीक है? इफ़ वी स्कोर 100 मार्क्स इज इट इनफ टू पास, और इच सब्जेक्ट इज हैविंग टू पास मार्क कैटेगरी? इच सब्जेक्ट में 40% लाना है, मतलब इच सब्जेक्ट में 20 मार्क्स तो लाना ही है प्लस 100 मार्क्स ऑल ओवर टोटल। तो अगर समझो एक बात, अगर आप इच सब्जेक्ट में 20 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो तब भी पास नहीं हो, बिकॉज 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में अगर आपने 20 लेकर आया देन इट इज 80 मार्क, बट अगर आपने 80 मार्क्स लेकर आए यू आर नॉट पास, बिकॉज आपका प्राइस टोटल क्राइटेरिया क्या है 100 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो लाना ही है प्लस 100 मार्क्स भी लाना है, तो किसी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करना होगा, सिर्फ 20 स्कोर करोगे तो नहीं चलेगा भाई मेरे। ओके ये क्लियर हो गया भाई? प्लीज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड यू। इफ यू कैन आंसर इन वीडियो काइंडली पिंग मी पर्सनली, भाई आई हैव आंसर्ड यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लव टू यू टू। विल द प्रॉक्टर मॉनिटर अस इन मॉक टेस्ट सेम लाइक एग्जामिनेशन? नो सर। कैन आई यूज वायर्ड ईयरफोन विद माइक इन मॉक टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम, प्लीज सॉल्व माई क्वेरी? आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मॉक टेस्ट में ट्राई करो, ठीक है? मॉक टेस्ट में आप ट्राई करो, अगर मॉक टेस्ट में हो रहा है तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ओके ये मॉक टेस्ट एक बार ट्राई करो आप, माइक, वायर्ड माइक जो होता है ना, वायर्ड माइक, वो एक बार मॉक टेस्ट में ट्राई करो, अगर हो गया तो हो गया, ठीक है? एयरफोन का माइक, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एयरफोन का माइक एक बार मॉक टेस्ट पे ट्राई कर लियो। सर आई परचेज सेकंड हैंड लैपटॉप एंड इट शोज दैट विंडोज 7 इज नॉट जेन्युइन एंड शोज दैट अपडेटेड योर लैपटॉप एवरी टाइम व्हेन आई ओपन इट, व्हाट टू डू? क्या मैं मॉक टेस्ट और एक्चुअल टेस्ट दे सकती हूँ रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम शो इन माई लैपटॉप? सर प्लीज आंसर माई क्वेरी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एज सून एज पॉसिबल। सी द थिंग इज, मैं आपको समझा देता हूँ, विंडो 7 जेन्युइन नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एग्जामिनेशन आप दे सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो विंडो 7 वहाँ पे दिखा, मतलब शो करता है कि अपडेटेड योर लैपटॉप समथिंग ऐसा कुछ शो करता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका लैपटॉप नॉर्मली रन हो रहा है, चल रहा है विंडो 7 के ऊपर, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप विंडोज़ जो है बाद में अपडेट करा लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिंदास से आपका जितने भी सॉफ्टवेयर से वो अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हो आपके कंप्यूटर के ऊपर देन इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अगर शो भी कर रहा है कि अपडेट करो लैपटॉप को, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ये नॉर्मल वार्निंग आता है। ओके लेकिन अगर ऐसा है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, सेप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, सेप नहीं चल रहा है, तब जाके कोई दिक्कत हो सकता है, आप जाके आपको विंडोज़ जो है वो फिर से दोबारा इंस्टॉल करना होगा, कोई भी लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के दुकान में जाके करा लियो वो चीज़, अगर काम नहीं कर रहा है तो। अगर डाउनलोड हो रहा है सब कुछ, जैसे कि क्रोम, SCB, इनडेस्क, वो सब कुछ डाउनलोड हो रहा है, आराम से चल रहा है लैपटॉप, तब टेंशन मत लो, हो जाएगा। सर पेपर टफ रहेगा? बहुत ईजी रहेगा भाई मेरे। इज़ इट ओके इफ़ यू जस्ट यूज़ लैपटॉप कैम इंस्टेड ऑफ परचेसिंग वेब कैम? ऑब्वियसली ब्रदर, ऑब्वियसली लैपटॉप में कैम है, लैपटॉप के ऊपर देखो छोटा सा छेद होगा तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है? वेब कैम का ज़रूरत नहीं है। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं मॉक टेस्ट के लिए फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ कर और एग्ज़ाम के वक्त साइबर में जाके एग्ज़ाम दूँ तो चलेगा? हाँ जी चलेगा, 100% चलेगा। सर मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग 4 to 6 है और बोला है 1 आवर, तो क्या टाइमिंग होगा? 4 to 6 है ना, तो मतलब समझो 4 से लेके 6 बजे तक आप जाके लॉग इन कर पाओगे और 1 घंटे के लिए आप एग्ज़ामिनेशन दे पाओगे। समझ में आ रहा है? समझो 4 से लेके 6 तक आप लॉग इन कर पाओगे। अगर 4 बजे आप बहुत व्यस्त हो तो 5 बजे भी आप लॉग इन कर पाओगे 1 घंटे के लिए, 5 to 6। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? 1 घंटा। फिर देखो सर मेरा लैपटॉप एनी डेस्क डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे डाउनलोड करूँ और मॉक टेस्ट के प्रोसीजर बता दीजिए प्लीज़। मॉक टेस्ट का प्रोसीजर क्या है भाई? सिंपल है, ठीक है? एनी डेस्क का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मॉक टेस्ट को कैसे जाना है, प्रोसीजर एक ही चीज़ है।
आपको मॉक टेस्ट के लिए जो भी आपके लिंक्स हैं, मतलब आईडी पासवर्ड आया है आपके मेल पे, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, उस पर आपको यूज़ करना है, यूज़ करके यू कैन लॉग इन। ठीक है, नेक्स्ट है सर, अभी तक मेल नहीं आया मॉक टेस्ट का और स्पैम में भी चेक किया, वहाँ भी नहीं आया। अगर नहीं आया अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है जाके कंप्लेंट करो। एक सर, हम लोग एनी डेस्क तो डाउनलोड कर लिए, पर उसको एग्ज़ाम के टाइम कनेक्ट कैसे करना है रिमोट प्रॉक्टर के साथ? देखो, एनी डेस्क जो है वो आपको नहीं करना है, एनी डेस्क के साथ कोई लिंक नहीं करना है। एनी डेस्क और एससीबी ब्राउज़र दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर से। एनी डेस्क का दरकार तभी होगा अगर आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तब जब आप कॉल करोगे सेंटर पे, ठीक है, जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो वो लोग आपके कंप्यूटर को देख पाए वहाँ से बैठे ही, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है एनी डेस्क। ठीक है, उसको लिंक करना ज़रूरी नहीं है, डाउनलोड करके रख दो चुपचाप, बस ख़त्म। फिर जब आपका प्रॉब्लम अगर हुआ तब आप कॉल करोगे, वो लोग बोल देंगे कि कैसे किस प्रकार से ऑन करना है। I received a mail from ICSI specifying the mock test timing from 1 PM to 3 PM. 1 PM to 3 PM आपका mock test का timing था, but you told that the timing is okay. See, मैंने बोला है कि अलग अलग है timing. मैंने जिस बच्चे का time table निकाला उस बच्चे का 9 से था, आपका 1 से होगा, तो आपको 1 से लॉग इन करना है, समझे? सर, एग्जाम का जैसे मॉक टेस्ट में वो लोग हम लोग को मॉनिटर करेंगे क्या? नहीं, मॉक टेस्ट में मॉनिटर नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में मॉनिटर करेंगे। सर, मॉक टेस्ट मोबाइल पर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हो। मी एंड माय सिस्टर आर गोइंग टू गिव एग्जाम टुगेदर, सो आई वांट टू आस्क यू दैट इज इट अलाउड टू यूज सम सेम रूम बाय बोथ ऑफ अस, यू कैन नॉट सिट टुगेदर। सर, क्या मॉक टेस्ट में भी प्रॉक्टर विजिबल होंगे क्या? हमें मॉक टेस्ट में प्रॉक्टर विजिबल नहीं होंगे। सर, लास्ट टाइम भी सेब ब्राउज़र पर हुआ था जैसे सब ये? हाँ जी, लास्ट टाइम भी सेब ब्राउज़र के ऊपर ही हुआ था। मॉक टेस्ट का मेल नहीं आया अभी तक, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करो। सर, रोल नंबर चेंज हुआ है अपडेट होके, लेकिन रोल नंबर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल नंबर अगर सेम है, अपडेट करने के बाद भी रोल नंबर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ आपके सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व होते हैं। आई थिंक दैट इसमें हेल्प हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।